Dear students, I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JDP Government Girls College, Kota. आज हम आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड के टॉपिक रिप्रोडक्शन एंड पैरामेशिया का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पैरामेशिया बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिशन या द्विखंडन द्वारा किस प्रकार से इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है पैरामेशिया में, ये पढ़ा था, और साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन पढ़ा था। अब इसके आगे आज हम पढ़ेंगे एंडोमिक्सिस। सो एंडोमिक्सिस इज़ द फिनोमेनन ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ बॉडी विद इन अ सिंगल इंडिविजुअल विद नो न्यूक्लियर एक्सचेंज और फ्यूजन। यानी कि एंडोमिक्सिस में बेसिकली न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि बॉडी के डिवीजन के साथ फॉलो होता है, और इसके अंदर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर एक्सचेंज या फ्यूजन नहीं होता, जैसे कि हमने कॉन्जुगेशन में देखा था, संयुग्म में देखा था। इट अकर्स ओनली इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। ये प्रक्रिया जो है जब कॉन्जुगेशन नहीं होता तभी होती है, और इसे वुड्रफ और अर्डमैन ने बाई न्यूक्लियर स्पीशीज पैरामेशियम ऑरेलिया में पढ़ा था। तो इस एंडोमिक्सिस के जो स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले स्टेप में मैक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स एंड इज एब्सॉर्ब्ड इन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। यानी कि मैक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, विलुप्त हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है कि तो दो माइक्रो न्यूक्लियाई हैं, दे डिवाइड ट्वाइस by forming 8 डॉक्टर माइक्रोन्यूक्लियाई। तो क्योंकि ये बाई न्यूक्लियट स्पीशीज़ है इसलिए इसके अंदर दो माइक्रोन्यूक्लियाई जो उपस्थित होते हैं वो डिवाइड होकर 8 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बनाते हैं। इनमें से 6 जो हैं 6 डिसअपियर हो जाती हैं और लीविंग बिहाइंड 2 माइक्रोन्यूक्लियाई, यानी केवल 8 में से 2 ही माइक्रोन्यूक्लियाई बचती हैं। The animal with two micronuclei divides by transverse binary fission and two daughter individuals with one micronucleus are formed. यानी कि ये जो दो micronuclei बची हैं इन ये जो है एक एक daughter individual के अंदर आ जाती हैं by the process of binary fission. The micronucleus of each daughter paramecium divides twice. फिर से जो daughter paramecium बने हैं दो, उनकी जो micronuclei है वो divide हो जाती है twice, जिसकी वजह से कि 4 nuclei बन जाते हैं, जिसके फलस्वरूप 2 enlarge होकर macronucleus बनाते हैं और 2 छोटे के छोटे रह जाती हैं, जिससे कि 2 micronuclei उपस्थित होते हैं हर एक डॉटर पैरामेशिया में। द माइक्रो न्यूक्लियाई इन ईच डॉटर इंडिविजुअल अगेन डिवाइड्स बाय द डिवीजन ऑफ द बॉडी। तो दस 4 डॉटर पैरामेशिया आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो माइक्रो न्यूक्लियाई फिर से जो है डिवाइड करती है डिवीजन ऑफ बॉडी के साथ साथ ही, तो इसलिए 2 जो बने थे पैरामेशिया उससे जो है फिर से 2 और बनते हैं और अंततः 4 डॉटर पैरामेशिया बन जाते हैं एक सिंगल पेरेंट से। आप चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहले मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ, सेकेंड में दो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं वो 2 बार माइटोटिकली डिवाइड हुए, जिसके फलस्वरूप 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बने। 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 6 डिसइंटीग्रेट हो गए और 2 बचे। So now the paramecia divides into 2 daughter paramecia with each with one nucleus. हर एक में एक एक nucleus है। अब ये जो micro nucleus है ये 2 बार mitotically divide करेगा, जिसके फलस्वरूप 4 daughter nuclei बन जाएंगे। आप चित्र में देख सकते हैं 4 daughter nuclei। इनमें से 4 जो हैं ये जो है 2 macro nuclei बन जाते हैं और 2 micro nuclei बन जाते हैं। अब ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये फिर से जो है ईच माइक्रो न्यूक्लियस एंड द बॉडी ऑफ द पैरामेशिया अगेन डिवाइड इनटू टू प्रोड्यूस
टू डॉटर पैरामेशिया। तो आप देख सकते हैं एक सिंगल पेरेंट से चार पैरामेशिया बन गए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोमिक्सिस। एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोमिक्सिस फोर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, हेंस इट इज़ अ मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इनकी संख्या बढ़ी और ये एक सिग्निफिकेंस है क्योंकि एक इंडिविजुअल से चार इंडिविजुअल बने हैं। दूसरा इफेक्ट है कि इफ़ इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ कॉन्जुगेशन बिकॉज ओल्ड मैक्रोन्यूक्लियस इज रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। जो ओल्ड मैक्रोन्यूक्लियस था वो सबसे पहले स्टेप में ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो नया बनता है एंड इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोन्यूक्लियर मटीरियल एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी वजह से रिन्यूड विगर एंड वाइटलिटी हो उपस्थित होती है एंड इट एक्सेलरेट्स मेटाबॉलिक रेट। बेसिकली मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस को एक और जो सिग्निफिकेंस है वो है कि एक सब्स्टिट्यूट माना गया है कॉन्जुगेशन का, कि जब कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता या डिले हो जाता है तब एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया से जो विगर और वाइटालिटी है वो रिन्यू हो जाती है। इसके साथ ही एक और प्रोसेस है हेमिक्सिस। हेमिक्सिस जो है हार्टमैन ने डिस्क्राइब किया था और डिलर ने इसे कंफर्म किया था पैरामेशियम ऑरेलिया स्पीशीज़ में। इट इज़ अ सिंपल फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन वेयर माइक्रो न्यूक्लियाई रिमेन इनर्ट। यहाँ पर देखा गया हेमिक्सिस में कि माइक्रो न्यूक्लियाई बिल्कुल शांत रहते हैं, इनर्ट रहते हैं, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं नज़र आती। जो भी कुछ प्रक्रिया है वो मैक्रो न्यूक्लियस के अंदर होती है कि मैक्रो न्यूक्लियस गिव्स ऑफ टू और मेनी स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल विच आर एब्सॉर्ब्ड इन द सराउंडिंग एंडोप्लाज्म। जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो कई छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं क्रोमैटिन मटीरियल के, जो कि सराउंडिंग एंडोप्लाज्म एब्सॉर्ब कर लेती है। द रिमेनिंग मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियाई बिहेव नॉर्मली। तो बचा हुआ जो मैक्रो न्यूक्लियस है और जो माइक्रो न्यूक्लियाई ऑलरेडी इनर्ट था वो फिर नॉर्मली बिहेव करते हैं। तो हेमिक्सिस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्ट ऑफ प्योरिफिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ मैक्रो न्यूक्लियस एंड द क्रोमैटिन बॉल्स आर रिगार्डेड टू कंटेन एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स। यानी हेमिक्सिस को ये माना गया है कि ये प्योरिफिकेशन ऑफ मैक्रो न्यूक्लियस है और जो क्रोमैटिन फ्रैगमेंट्स दिए गए थे वो एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स के होते हैं, इसलिए ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंडोप्लाज्म से। सो हेमिक्सिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट इन ऑर्डर टू गेट अ रिन्यूड विगर एंड वाइटलिटी। अब आता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी भी एक प्रकार का न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैरामेशियम ऑरेलिया में देखा गया है और ये काफ़ी कुछ कॉन्जुगेशन की तरह ही होता है एंड इट अकर्स विद इन अ सिंगल इंडिविजुअल एंड द टू माइक्रो न्यूक्लियाई ऑफ द सेम इंडिविजुअल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिनकैरियन। कॉन्जुगेशन में दो अलग अलग स्ट्रेन्स के पैरामेशिया के अंदर माइक्रो न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है, जबकि यहाँ पर एक ही इंडिविजुअल के बीच में जो है माइक्रो न्यूक्लियर मटीरियल एक्सचेंज होता है। द माइक्रो न्यूक्लियस ग्रोज इनटू अ हैपहैजर्ड मास एंड ब्रेक्स इनटू पीसेस टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म। द टू माइक्रो न्यूक्लियाई डिवाइड टू फॉर्म एट डॉटर न्यूक्लियाई। सम ऑफ देम डीजेनरेट एंड द रिमेनिंग न्यूक्लियाई अंडरगो थर्ड माइटोटिक डिविजन। तो जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाता है और एब्सॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में। जो दो माइक्रो न्यूक्लियाई हैं वो एट डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई में मल्टीप्लाई करते हैं और इनमें से कुछ डीजेनरेट हो जाते हैं और जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई हैं वो थर्ड माइटोटिक डिविजन उनके अंदर होता है। द रिमेनिंग माइक्रो न्यूक्लियाई ऑल्सो डिसअपियर लीविंग ओनली टू विच डिफ्रेंशिएट एट द गैमेटिक न्यूक्लियर एज द गैमेटिक न्यूक्लियर। यानी कि जो थर्ड माइटोटिक डिवीजन से भी जो बने माइक्रो न्यूक्लियाई उनमें से भी कई डिसअपियर हो जाते हैं और केवल दो ही आखिर में बच जाते हैं जो कि गैमेटिक न्यूक्लियाई के तौर पे उपस्थित होते हैं। दीज एंटर अ साइटोप्लाज्मिक कोन फॉर्म टूवर्ड्स द साइटोसोम। हियर दे फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म द जाइगोटिक न्यूक्लियस और सिनकैरियन।
तो ये जो है एक तरीके से साइटोसोम के पास में बना हुआ साइटोप्लाज्मिक कोन में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर फ्यूज होकर जाइगोटिक न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसे कि सिनकैरियन भी कहते हैं। सिनकैरियन डिवाइड्स ट्वाइस, द रिजल्टेंट फोर न्यूक्लियाई डिफरेंशिएट एज टू मैक्रो एंड टू माइक्रो न्यूक्लियाई। द सेल बॉडी एंड द माइक्रो न्यूक्लियाई डिवाइड साइमल्टेनियसली फॉर्मिंग टू डॉटर पैरामेशिया। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि मैक्रो न्यूक्लियस ये जो है ब्रेक हुआ फ्रैगमेंट्स में और फाइनली एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में। जो दो डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियाई हैं ये मियोटिकली एट हैप्लॉयड डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होते हैं। इनमें से जो 8 में से 7 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, केवल एक ही रह जाता है। जो एक माइक्रो न्यूक्लियस है ये आगे चल के फिर से दो में विभाजित होता है, गैमेटिक न्यूक्लियाई बनाता है। और ये जो है दोनों गैमेटिक न्यूक्लियाई जो प्रोटोप्लाज्मिक कोन बना है उसके अंदर जो है जाकर के फ्यूज़ होते हैं, जिससे कि जो है जाइगोट न्यूक्लियस या सिनकैरियन बनता है। ये जो जाइगोटिक न्यूक्लियस है ये डिवाइड होते हैं ट्वाइस, जिसके फलस्वरूप 4 न्यूक्लियाई बनते हैं। इन 4 में से जो है 2 मैक्रो न्यूक्लियस बनते हैं और 2 माइक्रो न्यूक्लियाई बनते हैं। और ईच माइक्रो न्यूक्लियस एंड द बॉडी ऑफ द पैरामेशिया डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर पैरामेशिया। तो ये जो है इस प्रकार से एक पेरेंट से 2 डॉटर पैरामेशिया बने। साइटोगैमी, दिस इज अनदर फिनोमिना दैट वॉज ऑब्जर्व बाई विचरमैन इन पैरामेशियम कॉर्डेटम, दैट टू इंडिविजुअल्स फ्यूज टूगेदर बाई देयर ओरल सर्फेसिस फॉर सम टाइम, देयर न्यूक्लियाई अंडरगो सिमिलर चेंजेस एज अकरिंग ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, बट द न्यूक्लियर एक्सचेंज फेल्स टू फॉर्म सिनकैरियन, द इंडिविजुअल्स देन सेपरेट एंड डिवाइड। मतलब कि कॉन्जुगेशन की तरह इसमें दो इंडिविजुअल्स पास पास ज़रूर आते हैं ओरल सर्फेसिस से, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होता है सिनकैरियन और बनने की प्रक्रिया भी नहीं होती। पर कुछ समय बाद ये फिर आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और डिवाइड कर जाते हैं। इसी प्रकार से कई एक स्पीशीज़ है पैरामेशियम बर्सेरिया, इसके अंदर एंसिस्टमेंट डिस्क्राइब किया गया है कि अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान जो पैरामेशिया हैं दे बिकम राउंडेड एंड सिक्रीट अ सिस्ट अराउंड द बॉडी, द सिस्ट हैज़ द अपियरेंस ऑफ सैंड ग्रेन्स एंड इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो ये एंसिस्टमेंट इन पैरामेशियम के चित्र हैं कि किस तरीके से इसके अंदर पैरामेशियम में एंसिस्टमेंट भी देखा गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन पैरामेशिया, जो कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा। दोनों लेक्चर्स को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।